नमस्कार दोस्तों, भगवान राम की कथा रामायण का शॉर्ट हैंड में अनुवाद पहली बार इस चैनल पर किया जा रहा है। इस एपिसोड में माता सीता के अपहरण के बारे में बताया गया है तथा शॉर्ट हैंड में अनुवाद भी किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं डिक्टेशन। रामायण एपिसोड 4, रावण अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के इरादे से माता सीता के अपहरण करने की योजना बनाए हुए कुटिया के बाहर घात लगाए बैठा था, जब उसने लक्ष्मण को कुटिया से बाहर राम की तलाश में जाते हुए देखा, तब वह एक साधु का वेश बनाकर माता सीता की कुटिया के आगे पहुंच गया और भिक्षा मांगने लगा। माता सीता रावण जो कि एक साधु के वेश में था, उसकी कुटिलता को नहीं समझ पाई और उसके भ्रम जाल में आकर लक्ष्मण की बनाई गई लक्ष्मण रेखा के बाहर कदम रख दिया और रावण माता सीता को बलपूर्वक उठाकर ले गया। जब रावण सीता को बलपूर्वक अपने पुष्पक विमान में ले जा रहा था तो जटायु नाम का गिद्ध उसे रोकने की कोशिश करता है। जटायु ने माता सीता की रक्षा करने का बहुत प्रयास किया और जिसमें वह प्राणघातक रूप से घायल हो गया। रावण सीता को अपने पुष्पक विमान से उठाकर अपनी लंका में ले गया और उन्हें राक्षस औरतों की कड़ी सुरक्षा में लंका के अशोक वाटिका में डाल दिया। फिर रावण ने माता सीता के सामने उनसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की, लेकिन माता सीता अपने पति भगवान राम के प्रति समर्पण होने के कारण रावण से विवाह करने के लिए मना कर दिया। इधर भगवान राम और लक्ष्मण माता सीता के अपहरण के बाद उनकी खोज करते हुए जटायु से मिले, तब उन्हें पता चला कि
उनकी पत्नी सीता को लंकापति रावण उठाकर ले गया है। तब वह दोनों भाई सीता को बचाने के लिए निकल पड़े। भगवान राम और लक्ष्मण जब माता सीता की खोज कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात राक्षस कबंध और परम तपस्वी साध्वी सबरी से हुई। उन दोनों ने उन्हें सुग्रीव और हनुमान तक पहुंचाया और सुग्रीव से मित्रता करने का सुझाव दिया और राम को बताया कि सुग्रीव अपने भाई बाली के डर से एक पर्वत पर रहते हैं। उस पर्वत पर जाने का मार्ग भी बताया।